नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल रिलीज हो चुकी है और रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करनी भी शुरू कर दी है। इस फिल्म ने बैक टू बैक 3 दिन 100 करोड़ की कमाई करी, जो थोड़ा ही मार्जिन से शाहरुख खान की मूवी जवान से थोड़ा पीछे रह गई। अदरवाइज ये फिल्म जवान फिल्म को भी बीट कर सकती थी। हालांकि हमें यहाँ पर यह भी बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि ये एक ए सर्टिफाइड फिल्म है। इस फिल्म को नॉन हॉलीडे पर रिलीज किया गया, साथ ही साथ इस फिल्म का एक अच्छी फिल्म के साथ क्लैश भी हुआ है। जहां एक तरफ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म की खूब आलोचना भी हो रही है। इसे इंडियन सिनेमा का सबसे वर्स्ट फेज बताया जा रहा है, जिसमें वॉयलेंस, सेक्स और न्यूडिटी को इतने बड़े स्तर पर ग्लोरीफाई किया गया। इसके बावजूद पब्लिक ने इस फिल्म को पसंद किया। अब देखना इंडियन सिनेमा में इसी तरह की फिल्में बननी शुरू होंगी, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिला है वो बहुत ही एक्सट्रीम है। अब ये डिबेट का विषय है कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन हमें इस बात पर जरूर एग्री होना पड़ेगा कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में टेक्निकली वेल मेड होती हैं, जिसमें साउंड डिजाइनिंग और म्यूजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म मेकिंग पर हमने ऑलरेडी ये एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। यहाँ पर हम उनकी सिर्फ साउंड डिजाइनिंग की बात करेंगे। दोस्तों, बताया जाता है कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी साउंड डिजाइनिंग को लेकर काफी सेंसिटिव रखते हैं। अभी तक इन्होंने मात्र 3 ही फिल्में डायरेक्ट करी हैं और ये तीनों फिल्में म्यूजिकली भी बहुत बड़ी चार्टबस्टर साबित हुई हैं। वैसे म्यूजिक को अगर साइड रख भी दें तो इनकी फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर और साउंड नॉइजिंग बहुत ही की रोल प्ले करती है। बात करें अर्जुन रेड्डी की, तो इस फिल्म के लिए इन्होंने कई सारी ट्यून्स और बैकग्राउंड स्कोर की सोर्सिंग करी। इनको जो भी ट्यून्स, बैकग्राउंड स्कोर या फिर म्यूजिक समझ में आता है, ये उसके राइट्स को ले लेते हैं। स्पेशली अगर आपने अर्जुन रेड्डी को ध्यान से देखा है तो उस फिल्म में काफी सारे साउंड्स और बैकग्राउंड स्कोर ऐसे हैं जिनको आपने इजिली कई हॉलीवुड की फिल्मों में आसानी से देखा होगा। साउंड्स और बैकग्राउंड स्कोर को यूज करने का तरीका भी कई बड़ी फिल्मों से मैच करता है। मीनवाइल मिस्टर वांगा का सेंस ऑफ म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा है। यही वजह है कि इनकी सारी फिल्में म्यूजिकली भी सुपरहिट रही हैं। फिर चाहे कबीर सिंह हो, जिसका बेख्याली, तुझे कितना चाहने लगे या फिर कैसे हुआ सॉन्ग, ये सारे ही गाने सुपरहिट रहे और आज भी एनिमल का म्यूजिक चार्टबस्टर है। फिर चाहे अर्जुन वैली हो, पापा मेरी जान हो, सतरंगा हो या फिर दुनिया जला देंगे, फिल्म का म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द मेजर प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म के म्यूजिक को कितने एक्सपेरिमेंट के साथ यूज किया है। इन गानों का पिक्चराइजेशन कमाल का है। मेकर्स के पास पूरी छूट होती है कि वे अपने गानों को कैसे यूज करें। कुछ मेकर्स अपने गानों को बस ऐसे ही बिना सिर पैर के यूज करते हैं, वहीं कुछ मेकर्स ऐसे भी हैं जो गानों के थ्रू अपनी फिल्म की कहानी को काफी आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपने गानों का यूज अपने एक्शन और वायलेंस को एलिवेट करने के लिए यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल अर्जन वैली गाना, दोस्तों ये गाना फिल्म के इंटरवल पोर्शन में आता है और ये गाना पूरी तरह से हमारे एक्सपीरियंस को एनहेंस कर देता है। गाने को सुनते ही गूज़बम आता है और सीन पर होने वाला वॉयलेंस एकदम से एनहेंस हो जाता है। इसी तरह एक और गाना है जिसका नाम है सारी दुनिया जला देंगे। दोस्तों इस गाने को क्लाइमेक्स की फाइट पर पिक्चराइज किया गया। ये एक तरह से मेकर्स का एक्सपेरिमेंट ही था जो पूरी तरह से काम कर गया। दोस्तों इस गाने की स्लो ट्यून फिल्म के फाइट सीक्वेंस को एनहांस कर रही थी, जिससे हुआ ये कि ऑडियंस इमोशनली फिल्म के टोन के साथ जुड़ गई। यहाँ पर हमें डेफिनेटली कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला। अदरवाइज सभी बड़ी बड़ी फिल्मों में हमें क्लाइमेक्स फाइट में हाई वोल्टेज बैकग्राउंड स्कोर ही सुनने को मिलता है। ये संदीप रेड्डी वांगा का एक्सपेरिमेंट था जिसे मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा। ये गाने के लिरिक्स ही थे, फिर चाहे वो एंटोनी या प्रोटैगनिस्ट, दोनों को ओवरपावर कर रही थी। अब आते हैं इस पार्ट पर कि इन गानों की सोर्सिंग क्या है, ये गाने कहां से लिए गए और इनकी बैक स्टोरी क्या है। हमारा ये वीडियो बस एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन वैली गाने की। दोस्तों इस गाने के लिए मेकर्स को टिपिकल फोक आवाज चाहिए थी। इसके लिए संपर्क करा गया भूपिंदर बप्पाल जी से। वैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अर्जुन वैली में जो अर्जुन शब्द है ये रणबीर कपूर के कैरेक्टर का नाम होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे बहुत ही बड़ी बैक स्टोरी है। दरअसल ये बहुत ही पॉपुलर फोक ट्यून है जिसे ओरिजिनली कुलदीप मानक जी ने कम्पोज किया था। आपको बता दूं ये ट्यून सिखों के इतिहास से रूटली कनेक्टेड है। अर्जन सिंह नालवा सिख मिलिट्री कमांडर हरि सिंह नालवा के बेटे थे, जिन्होंने पिता की डिमाइस के बाद मिलिट्री ज्वाइन करी। ये अकेले ही इंडिविजुअली मुगल्स पर भारी पड़े और अपेरेंटली बैटलफील्ड को जीत कर दिखाया। उन्हीं की लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हुए इस लोकगीत को डांडीवार स्टाइल में क्रिएट किया गया, जो आगे चलकर लोगों को मोटिवेट करने में काम आने लगा। अब आप देख सकते हैं इस गाने का पिक्चराइजेशन कितना कमाल का था। ये गाना उस समय आता जब रणवीर कपूर अकेले 200 से 300 लोगों से लड़ता है और रणवीर कपूर के लोग उसे अर्जुन वैली गाना गाकर मोटिवेट करते हैं।
हालांकि यहाँ पर पंजाबी सिंगर भूपेंद्र बप्पाल जी को भी श्रेय जाता है जिन्होंने उस लोक गीत को नए शब्दों में पिरोया। आज की तारीख में ये पंजाब का एक बहुत ही पॉपुलर लोक गीत है जिसे रणवीर कपूर से पहले शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर भी फिल्माया गया था। इसके बाद दूसरा गाना है सारी दुनिया जला देंगे। दोस्तों इस गाने की टोन को सुनकर आपके दिमाग में दर्जनों गाने ऐसे आ जाते हैं जिससे आपको सिमिलरिटी लगेगी। दोस्तों इसमें सच्चाई भी है, इस ट्यून को एक दो बार नहीं कम से कम 20 से 25 बार यूज किया गया है। इसमें चिट्टा कुकड़ और लैम्बोर्गिनी वो गाने जो आपके जहन में सबसे पहले आएंगे। बताया जाता है कि इस गाने को कंपोज किया था रफी साहब ने, जिसे सबसे पहले 1958 की मूवी फागुन में यूज किया गया था। तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा। इसके बाद ही इस गाने की पॉपुलैरिटी बढ़ी, देन इसे पंजाब में फोक सॉन्ग के तौर पर यूज किया जाने लगा। आगे चलकर 1984 में जगजीत सिंह और चित्रा जी ने कोटे ते आ माइया नाम से इस गाने को रिक्रिएट किया। इसके बाद से ये टून काफी ज्यादा यूज होने लगी और अभी रिसेंटली हमने सारी दुनिया जला देंगे में भी इस चीज को नोटिस किया। इसके बाद बात करते हैं जमल जमलू की। दोस्तों इस गाने को बॉबी देओल की एंट्री पर यूज किया गया। यस, इस गाने में वाइब तो है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा कई सारी पुरानी पर्दे खोलकर इस गाने को लेकर आए और उन्होंने एनिमल फिल्म में इस गाने को यूज किया और ये गाना आज की तारीख में ट्रेंड सेटर बन चुका है। दोस्तों बहुत ही कम ऐसे गाने होते हैं जो अपने लंबे पीरियड के बाद रिवाइव होते हैं। अली जफर का दिल जूम एक ऐसा ही गाना था और आज ये भी एक ऐसा ही गाना बन चुका है जो काफी समय के बाद ट्रेंड सेटर बना है। आपको बता दूं ये एक 80 के दशक का फारसी गाना है जिसे सिंगर बंदारी ने गाया था। इसी गाने को आगे चलकर सिंगर जिया ने गाया जो कि आज तहराइन इंटरप्राइजेस पर अवेलेबल है। इसके बाद लगातार इस गाने के कई वर्जन आते रहे। आगे चल के ओमित जहां ने भी इस गाने को गाया। ये बेसिकली एक फारसी फोक ट्यून है जिसे जब बॉबी देओल के ऊपर यूज किया गया तो उसके बाद से ये गाना काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है। ये डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का विजन ही है जो इतनी अलग अलग जगह से इस तरह के सॉन्ग्स लेकर आए। अगर आप अपने गानों में क्रिएटिविटी दिखाते हो तो हम ऑडियंस को भी सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।